हेलो गाइस, मैं हूं अमित। और भाई, क्रिकेट तो हम में से ज्यादातर लोग बचपन में खेलते हैं। मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा होगा जिसने क्रिकेट नहीं खेला होगा और इस तरीके के बैट का यूज भी करते हैं। लेकिन आज हम बनाने वाले हैं सबसे ज्यादा खतरनाक क्रिकेट बैट। जी हाँ दोस्तों, ये जो क्रिकेट बैट है इसको मॉडिफाई करेंगे खतरनाक क्रिकेट बैट में, जिसके लिए हम यूज करेंगे इस तरीके की नेल्स का। दोस्तों ये जो है, आप लोग देखो कि 3 इंच की कील है, बड़ी बड़ी नेल्स है। और क्या करेंगे, इन नेल्स को लगा देंगे बैट में और जो नेल्स हैं वो बैट के फ्रंट हिस्से से बाहर निकलेंगी। फिर इससे बॉल्स पे शॉट मार के देखेंगे, कुछ और चीज़ों के साथ भी ट्राई करेंगे और देखते हैं कि ये उनको कितना नुकसान पहुंचा पाता है, बॉल्स का क्या हाल होता है। तो फटाफट से शुरू करते हैं। आप लोग इस वीडियो के लिए नीचे जो लाइक का बटन है वो जरूर से दबा दीजिए। दोस्तों यहाँ पर इन नेल्स को बैट में लगाने के लिए हमको पहले इसमें ड्रिल की मदद से होल्स करने होंगे और उसमें हम जो है कील्स को फिट कर देंगे। तो फटाक से बैट के ऊपर होल्स करना शुरू करते हैं। नीचे से शुरुआत करूँगा। गाइस यहां पर हमने ड्रिल से होल्स कर लिए, अब इसके ऊपर कीलें ठोकने की बारी है। ये जो है भाई 3 इंच की कील है, तो अब जो है इसको लगाते हैं यहां पर और पहली कील इसमें ठोकना स्टार्ट करते हैं और उम्मीद है कि जो बैट है वो हमारा फट ना जाए। और यहां पर जो पहली कील है वो बैट से बाहर आ चुकी है और सिर्फ एक कील में ही इसका जो डिजाइन है, जो लुक है, वो बड़ा ही खतरनाक दिख रहा है। सोचो अगर इससे किसी को मारे और अब जो है पूरे में कील लगने वाली है। तो फटाक से सारी नेल्स को ठोक देते हैं। अब गाइज फाइनली हमने हमारे बैट में ठोक दी हैं बहुत सारी नेल्स और आप लोग देखो कि अब ये जो बैट है कितना ज़्यादा खतरनाक दिख रहा है। यार गाइज सच्ची में इसको देख करके मैं आपको सही बताऊँ ना तो डर सा लगता है। आप लोग देखो कितनी सारी नेल्स हैं, मतलब कि ये जो बैट है कोई हथियार से कम नहीं लग रहा। लेकिन हम ऐसा रिकमेंड नहीं करते कि आप भी ऐसा कुछ बनाइए, क्योंकि यार ये हमको भी चोट पहुंचा सकता है। ये जो है सिर्फ एक डेमो के लिए है और ये जो बन चुका है ये है एक अल्टीमेट डिस्ट्रॉयर बैट। अब इसके सामने कुछ इस तरीके की अलग अलग चीज़ें रख के टेस्ट करेंगे। रख के तो क्या करेंगे, इस पर मार के टेस्ट करेंगे। फुटबॉल है, नॉर्मल बॉल्स हैं, रबर वाली, कोल्ड ड्रिंक है, स्प्रे पेंट है, बहुत कुछ है। तो देखते हैं कितना मज़ा आता है, ये जो है किस तरीके से इनको डिस्ट्रॉय कर पाता है या नहीं कर पाता है। लेकिन यार इसका लुक देखो एक बार ज़रा, मतलब क्या क्या चीज़ लग रही है भाई। ये जो कील है वो सच्ची में इसको डरावनी सी फीलिंग दे रही है। तो चलो अब इससे खेलते हैं थोड़ी देर। और एक चीज़ मैं भूल गया, इसका जो वेट है ना वो भाई साहब नॉर्मल बैट से काफ़ी ज़्यादा हो गया। एक कील में तो इतना वजन नहीं लगता, लेकिन जब इतनी सारी कीलें लग गई, क्योंकि कील लोहे की है तो इसमें वेट जो है वो काफ़ी बढ़ चुका। जब हम इसको ऐसे पकड़ने तो फील हो रहा है कि बहुत ज़्यादा इसके अंदर वेट है। तो अब मारते हैं कुछ शॉट्स। देखो दोस्तों, ये थी एक स्पॉन्ज वाली बॉल जो कि शॉट लगने के बाद में वापस से चली गई। देखते हैं इसमें क्या हुआ है। और भाई अरे यार ये वापस तो चली गई, लेकिन आप लोग देखो कि इसमें यहां से देखो ये फट गई है। ओहो गाइज यहाँ पर इम्पैक्ट हुआ है, देखो ये फट गई और जहाँ जहाँ कील लगी है वहाँ वहाँ से ये फट गई है। अब जो है रबर बॉल के साथ में ट्राई करते हैं। देखो ओ तो अब जो है हमारे पास में फुटबॉल है यहाँ पे ला भाई। ओ गाइस फुटबॉल जो है अब पता नहीं कि ये फूटी है या नहीं। ओ तो भाई जो बॉटल है वो एक ही शॉट में पंक्चर हो गई और सारी की सारी जो कोल्ड ड्रिंक है वो निकल गई। मिरिंडा की बारी है अब। लाओ भाई मिरिंडा से क्रिकेट खेलते हैं।
कुछ वैसा ही हाल हुआ है यहाँ पर। और एक ही शॉट में, सिर्फ एक ही शॉट में जो है, अबे यार एक ही शॉट में जो है इसको पंक्चर कर दे रहा है। और आप लोग देखो इसमें कितने सारे छेद हो गए, देखो सारे छेद में से जो कोल्ड ड्रिंक है वो निकल रही है गाइज। ये जो है डिस्ट्रॉय कर देता है एक ही शॉट में। बहुत दिन हो यार क्रिकेट खेले। अबे यार क्या क्या जबरदस्त तरीके से फटा। और आप लोग देखो कि इसके ऊपर जो है, अबे ये पेंट है गाइज, यहां पर सीधा ये जो बैट है ये होल मारता है, इसके अंदर सीधा होल करता है। और यहां पर भी मुझे फील हो गया, देखो बैट का हाल देखो जरा, ये जो है यहां पर रेड एंड ग्रीन कलर का हो गया। और जो हमारा कैन है वो भाई साहब फिर से देखो पंक्चर हो गया, लोहे में सीधा जो है ये होल कर रहा है प्लेड करने में ही। प्लेड करने में ही देखो देखो अरे यार एक और है, एक और है। यहां पर भी जो है कुछ वैसा ही हाल हुआ है हमारे इस कैन का। और भाई साहब यहां पर आप लोग देखो कि हर एक कैन हर एक शॉट में पंक्चर। और शॉट कहां मारा है, मैंने तो जो है जस्ट एक सिंपल प्लेड किया है, मतलब सिंपल जो है बॉल को रोका है, कैन को रोका है। और आप लोग देखोगे जो बैट की हालत है वो क्या हो गई है। तो गाइज वास्तव में ये जो बैट है काफी ज्यादा खतरनाक है, काफी ज्यादा पावरफुल है। और आज जो है कुछ एक बिल्कुल डिफरेंट सी चीज हमको करने को मिली है। वो गाइज मैं मानता हूं कि जो हेलमेट है वो टूटा हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं तो झटका जोर से लगा है। कहाँ लगा है यार भाई साहब, कहीं ना कहीं तो बैट जोर से लगा था। और ये देखो ज्यादा टूट गया पहले से। एक बार फिर से यार, एक बार जोर से शॉट मारना चाहता हूं मैं, एक बार और, एक और। तो भाई यहां पर जो है मुझे उम्मीद है कि जो मजबूत हेलमेट होता है उसके अंदर भी बिल्कुल आप लोग देखो होल्स हो चुके हैं। देखो जहाँ जहाँ बैट लगा है वहाँ वहाँ इसने अपने निशान छोड़ दिए हैं। तो अगर आपको आया मज़ा इस वीडियो में तो नीचे जो लाइक का बटन है वो ज़रूर से दबा देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही और मस्त मस्त कमाल के एक्सपेरिमेंट्स के लिए। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।